हायर टाउन हॉल में तो सभी परफेक्ट होते हैं, लेकिन लोअर टाउन हॉल को परफेक्टली डिफेंड कर पाना इज नॉट अ बच्चों का खेल, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस के इस एडवांस दौर में लोअर टाउन हॉल को कोई भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहां तक के लोअर बंदा भी। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ चुका हूं टॉप 3 टाउन हॉल 10 बेस लेआउट्स। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। बेस नंबर 1, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बेस है, ये पजल बेस है। मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग यहाँ पर अपने इन्फर्नोस की सेटिंग चेंज मत करना, मतलब उसको मल्टी सेट नहीं करना, बाकी काफी हद तक पावरफुल हो जाएगा। विच स्लैब के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बेस है, और अगर कोई हायर टाउन हॉल का बंदा इस पर 3 स्टार करके चला जाता है तो रोना मत, क्योंकि वो हायर टाउन हॉल का है। सिमिलर बंदा अगर अटैक करता है तो काफी मैटर करता है, तुम्हारे लिए उसको 3 स्टार निकालना। टेस्ला फार्म तुम लोग देख सकते हो, बहुत ही एपिक सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। ये बेस तुम लोग को लेक नंबर 1 से मिल जाएगा रिस्पेक्टिवली। बेस नंबर 2, हीरोइक बेस ये कहलाता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी हद तक मैंने इसको मॉडिफाई किया है और तुम लोग इसको देख ही सकते हो। इस पे यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई साहब अगर कोई बैट करता है इसके ऊपर, यानी कि जो बैट वाली स्पेल होती है वो यूज करता है अगर कोई इसके ऊपर, तो काफी हद तक ये डिफेंड कर लेगा। तुम लोग यहाँ पर इन्फर्नो देख सकते हो, दोनों हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन क्रॉस में सेट करके रखा हुआ है टाउन हॉल के। और यहाँ पर तुम लोग एक और चीज देख सकते हो, अगर डार्क एलेक्जर से तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, शिद्दत से मोहब्बत है, तो तुम लोग उसको काफी हद तक इस बेस में रख के डिफेंड कर सकते हो। बेस नंबर 3, आज की इस वीडियो का लास्ट बेस लेआउट। इसको लास्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं पिछली 2 वॉर से इस बेस को यूज करता आ रहा हूँ और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बेस लेआउट हो जाता है ये इसके इन्फर्नो टावर को सिक्योर करने के बाद। तुम लोग देख ही सकते हो इन्फर्नो टावर को कितना हद तक मैंने यहाँ पर सिक्योर करके रखा हुआ है, यानी अगर क्वीन भी इसको डिस्ट्रॉय करना चाहे तो नहीं कर सकती क्योंकि वहां तक टाइल उसका पहुंचेगा ही नहीं। और एक और बात, तुम लोग यहाँ पर इस बेस में टेस्ला फार्म की भी सिचुएशन को देख सकते हो, कितना अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है, कुछ ऊपर की साइड में, कुछ नीचे की साइड में। और एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग अपनी ब्लैक एयर माइंस को बाहर निकाल के रखना, वो इस बेस को और ज्यादा एनहेंस कर देता है इसके डिफेंस सिस्टम को। तो अगर तुम लोगों के लिए बेस अच्छे लगते हैं तुम लोग को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।